तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय मतदान शुरू है और प्रशासन एकदम मुस्तैद है। उपचुनाव में मतदान किया जा रहा था, क्या कुछ देखा? मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अभी सुबह के करीब ढाई घंटे से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ इधर उधर की बातें हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, सुनने में आ रहा है कि कहीं ईवीएम खराब हो गया है और कहीं मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है मतदान? मतदाताओं को रोकने वाली कोई बात नहीं है और ईवीएम के संबंध में मुझे खास जानकारी नहीं है, वो आप डीएम साहब से बात की। सर, कुछ धमकी भी मिली है जिलाधिकारी को? जो हमारा डीएम होगा, जो ट्विटर पेज है, उस पर इंडियन द्वारा की गई थी, क्योंकि निर्वाचन कार्यों में एक उसके अगेंस्ट थी। तो इसके लिए जो हमारी मीडिया सेल की टीम है, निर्वाचन की जो टीम है, उसको वहाँ पर सुलेट किया गया और उसके द्वारा फिर कोतवाली में इसकी तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। सर, कोई गिरफ्तारी भी हुई है क्या उसमें? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके बाद पुलिस अपना काम कर। ताल नरजा में सर कुछ लोगों को रोका जा रहा है मतदान करने से, उसका आधार कार्ड लिया जा, ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, देखिए, रोका किसी को नहीं जा। वीडियो वायरल हो रहा है, हम सभी लोग जो है लगातार फील्ड में है, तो कहीं इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। और अब ऐसा है तो अभी हम लोग जाके देख लेते हैं इसको। सर, ये महिला